वेलकम बैक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इथीन, इथेनॉल और इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। आप इनको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन, अल्कोहल और एल्काइन सेक्शन में फॉलो कर सकते हैं। इथीन मींस C2H4, इथेनॉल मींस C2H5OH एंड इथाइन मींस C2H2। दीज आर द मॉलिकुलर फॉर्मूलाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। इथीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, दो कार्बन होंगे, इन का मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और चार हाइड्रोजन मतलब दोनों कार्बन को दो दो हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इथेनॉल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसा कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर दो कार्बन होगा इस तरह से, एक कार्बन के साथ आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दीजिए, दूसरे कार्बन के साथ आप तीन हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का चार बॉन्ड हो चुका है, इस कार्बन में दो बॉन्ड होना बाकी है, तो वहां पर बचा हुआ दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल आपको मिल जाएगा। इथाइन क्या है, फिर से दो कार्बन है, आयन मतलब दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, दो हाइड्रोजन का मतलब है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सीधा स्ट्रक्चर होता है, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन को मिल जाएगा। थैंक यू।